नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील खारिज हो गई है। शिक्षिका का अंतर जनपदीय स्थानांतरण होना था और उसके आदेश को चुनौती दी गई और वे अपील खारिज हो गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये प्रयागराज से खबर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील खारिज कर दी है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि अपील काफी विलंब से लगभग एक वर्ष बाद दाखिल की गई, साथ ही एकल पीठ के फैसले में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस मामले में हस्तक्षेप का आधार बनता है। परिषद की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। मामलों के तथ्यों के अनुसार सहायक अध्यापिका पूनम ने सिद्धार्थ नगर से अयोध्या अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। उनका कहना था कि उनकी पुत्री जन्म से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसका ऑपरेशन भी हुआ है, उनके पति अयोध्या में रहते हैं, इसलिए उनका भी स्थानांतरण वहां किया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया था। याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था, 2 दिसंबर 2019 के शासनादेश के अनुसार याची अंतर जनपदीय स्थानांतरण की हकदार है, क्योंकि इसके मुताबिक यदि किसी शिक्षिका का बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए उपयुक्त आधार है। दिव्या गोस्वामी केस और अन्य कई मामलों में हाईकोर्ट ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पर इन आधारों पर निर्णय लेने का आदेश भी पूर्व में दिया है। याची के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद ने उसका आवेदन निरस्त करते समय कोई कारण नहीं बताया। याची आकांक्षी जिले में नियुक्त है। आकांक्षी जनपद पिछड़े जिले हैं जहां शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक है। एकल पीठ ने अंतर जनपद स्थानांतरण का आवेदन रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ परिषद ने यह विशेष अपील दाखिल की थी। तो उनकी अपील खारिज हो गई है। देखिए, दिया भी गया है। मिस अर्चना सिंह एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, पूनम एंड अदर्स रेस्पोंडेंट हैं। देखिए, ऑनरेबल राजेश बिंदल, तो इसमें देखा ऑर्डर डेटेड सितंबर 16 2021 पास्ड बाय द लर्न्ड सिंगल जज हैज बीन चैलेंज्ड बाय फिलिंग द प्रेजेंट इंटर। देखिए, इसमें बताया गया, ये तो पढ़ने में काफी समय लगेगा, इसमें सीधा सा यही बताया गया है कि जो उन्होंने सिंगल पीठ ने आदेश दिया था कि उनके आवेदन को निरस्त न करें और उस पर पुनः विचार करें, तो उसके खिलाफ वे डबल बेंच में चले गए और डबल बेंच ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है, यानी कि उनका स्थानांतरण अब होगा। तो साथियों, अगर कोई प्रयास करता है तो उसका स्थानांतरण हो जाता है। सरकार तो प्रयास करती है कि ना करना पड़े, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।